राव खालिद साहब, पीटीआई पर ये इल्ज़ाम लगता है, पीपल्स पार्टी की भी मैं शहरी रहमान साहबा की स्टेटमेंट देख रही थी, वो कह रही थी कि भाई पीटीआई है जो गालम गलोच का कल्चर लेकर आई है और असेंबलियों तक अभी कल्चर पहुंच चुका है, पहले तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक था या ट्वीट्स तक होता था। आप अग्री करते हैं इस बात से या ये हिस्ट्री पुरानी जाती है? देखिए, कोई भी लेके आया है उसको कंडेमनेशन होनी चाहिए, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। शेरी बीबी, मेरा ख्याल उनको पता नहीं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब क्या तकरीरें करते थे, तो इसलिए वो पीटीआई के खाते में डाल रही हैं। ये को हमारे हमें को मसाइल है, लेकिन वो अवामी जलसों में करते थे और वो गाली वाली भी दे जाते थे बड़े आराम से, और उसके बाद कहते थे नहीं नहीं इसको काट दो काट दो, ये ना लिखना। अच्छा। तो इस किस्म की वो यानी जज्बात जोश खिताबत में ये वो सारा आपने ट्रंप और बाइडन का देखा जी, जी, वो तो बड़े महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, और वो जब पोलिटिकल स्टेटमेंट दे, हाँ वो जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है एक दूसरे के बारे में, जिस तरह के ताने दिए हैं, वहाँ भी एथिक्स कमेटी बननी चाहिए। मुझे तो लग रहा था हमारी पार्लियामेंट में गुफ्तगू हो रही है शायद, ये वहाँ भी एथिक्स कमेटी बननी चाहिए। तो बात ये कि पब्लिक डिबेट में, अवामी जलसे में, तो पार्लियामेंट, जैसे कहा गया पार्लिमानी जुबान, उसका मतलब ये है कि एक दायरे में रह के, क्योंकि आप रोल मॉडल होते हैं, आपको लोगों ने वोट दे के भेजा होता है, वो समझते हैं कि ये हमारे मसाइल के हल के लिए बात करेंगे। तो वो एक लफ्ज़ों के हवाले से एक शेर मुझे याद आ रहा है कि पिछले बरस भी बोई थी लफ्ज़ों की खेतियाँ, अब के बरस भी इसके सिवा कुछ नहीं किया। लेकिन ये है, हम अदीब शायर सहाफ़ी जिनका लफ्ज़ों का कारोबार है, वो ये बात करें तो समझ आती है। पार्लियामेंटेरियन का काम तो है पॉलिसी साजी, आवाम की बेहतरी के लिए बात करना, आवाम की बेहतरी के लिए काम करना। बजट साजी का सेशन था, बजट बन रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है पंजाब असेंबली का भी, यहाँ पे भी, और इसमें गाली गलोच शुरू हो जाती है, और इसका नतीजा क्या निकलता है जब आप इस किस्म की गाली गलोच और घटिया गुफ्तगू फ्लोर ऑफ द हाउस करते हैं, तो वो जो इंप्रेशन पॉलिटिशियंस के बारे में क्रिएट किया गया है 70 साल में, वो उसको मजीद तकवीत मिलती है कि ये इस काबिल नहीं है कि इनको पार्लिमानी जमहूरियत मिले, या पार्लिमान के अंदर ये लोग बैठें, या कुछ जमहूरी कदरों का इनको एहसास हो। तो वो इम्प्रेशन एक गहरा होता है, किसी को कुछ सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब का कल से मेरे दिमाग पे बहुत छाए हुए हैं, उनका जो पार्लियामेंट के अंदर रवैया है वो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाला है, जिस तरह वो खवातीन के उल्टे सीधे नाम रखते हैं, जिस तरह वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्टिगेट बहुत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस इंस्टिगेशन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उस इंस्टिगेशन के नतीजे में दूसरी पार्टी जो है वो एक कदम फिर आगे चली जाती है। तो ये चीज़ें ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो हल होना चाहिए। बाकी एथिक्स कमेटी, ये तरबियत होती है घरों से, आप पता बात, आप छोटे बड़े के साथ बैठ के बात करते हैं, आपका तरीका कहाँ जा रहे हो या कहाँ जा रहे हैं, इसका फर्क जो है ना, वो तू और तुसी का फर्क या तुम और आप का फर्क, ये घरों में सिखाया जाता है, ये तरबियत का हिस्सा होता है। अगर आप उसका नहीं, गुस्से में एक आध जुमला निकल जाना और बात है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप कर रहे हैं तो यकीनन आपकी तरबियत में कोई कमी है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है इन इख्तलाफात की रूट कॉज है क्या? क्या वही बात जो शेर अफजल मरवत साहब ने भी किया है कि क्योंकि कुछ अहदाफ थे वो पूरे नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने आदम एतमाद जाहिर कर दिया अपनी पार्टी की लीडरशिप पर, यही मसला है, यही वजह है इख्तलाफात की? अच्छा, मुझे अहदाफ इनके समझ नहीं आते कौन से अहदाफ इनके थे। अगर तो इमरान खान की रिहाई ही मसला है, हाँ। मैं राणा सनाउल्ला पे तो शायद यकीन ना करूं, लेकिन नजमुल साकिर साहब की इन्फॉर्मेशन पे यकीन रखता हूं कि इमरान खान को अभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा, जब उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा तो रिहाई की कौन सी कोशिश कामयाब होगी, ये मुझे ज़रा समझा दें। जब ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान ने अंदर रहना है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर रिहाई की कौन सी कोशिश कामयाब होगी? ठीक है, हम असल में मसला ये है, इस बात में कोई वजन भी नहीं है ना मंतक है, जो लोग कहते हैं जी इमरान खान को रिहाई की कोशिश नहीं कर रहे और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, कोई मेरे ख्याल 200-250 केसों में उनकी जमानत हो चुकी है, एक दो केसों में उनके हक में फैसले आ चुके, बड़े केसेस में साइफर जैसे है, तो एक ये अब इद्दत वाला फंसा हुआ है उसका जिस दिन आएगा तो उनकी उनके वो रिहाई की राह हमवार हो जाएगी, किसी और केस में डाल लें, वो तो फिर बाद की कोशिश है ना, तो क्या तो रिहाई की कोशिश किसको कहते हैं जी? पार्टी लीडरशिप के ऊपर ये इस किस्म का इल्ज़ाम मेरा ख्याल है बिल्कुल बेतुका सा है। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कुछ टांगानी का या किसी और जगह पे रहते हैं,
पाकिस्तान के अदालती निज़ाम इंसाफ, पाकिस्तान के अदालती प्रोसीजर्स, और यहाँ पे जो दलील और सबूत की बात है वो तो दीवाने की बर्ड समझी जाती है। यहाँ पे तो इंसाफ का बहाव ऊपर की तरफ जाता है, पानी की तरफ नीचे नहीं आता। तो इसलिए ये कहना कि जी रिहाई के लिए कोशिशें नहीं हो रही, और जबकि इतना कुछ हो भी चुका है। दूसरी बात यह कि पार्टी जिन मसाइल और मराहल से गुजरी है, हाँ। अभी तो जो ये चीज़ें ये तो बहुत माइनर सी है उसके मुकाबले में, उसके बावजूद अगर वो 8 फरवरी के इलेक्शन में सारी मार धाड़ के बावजूद इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, और अभी तक पॉपुलैरिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, तो फिर क्या शिकवा है आपको? किस चीज़ से शिकवा है? किस लीडरशिप से शिकवा है? कौन सी क्यादत थी जिसने ये सब कुछ किया? क्या फवाद चौधरी साहब थे, इमरान इस्माइल साहब थे, असद उमर साहब थे, या अली जैदी साहब थे, या वो दावा तो करते हैं, मरवत साहब भी दावा करते हैं, शेख अफजल मरवत साहब, उन्होंने सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर लिया जी जी। तो ये यकीनन पीछे बहुत से लोग हैं, ब्रेन है, स्ट्रेटजी है, ये सारा एक प्रोसेस हुआ जिसमें लोगों को पेपर जमा कराने जाते थे, वहाँ लोग छीनने के लिए खड़े होते जी थे जी जी। पेपर जमा नहीं करवाने देते थे आपको नॉमिनेशन पेपर्स। तो इन मराहल और मसाइल से गुजर के अगर पार्टी यहाँ तक पहुँची है, अब तो आसानियाँ शुरू हुई हैं, अब तो बेहतर हो रही है सूरत हाल, अब तो दिन ब दिन पार्टी की पोजिशन मजबूत हो रही है, उनके खिलाफ जो एक्टिविटी है वो कम पड़ रही है, और जो चीजें हैं वो जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं, क्या उनके मोटिव हो सकते हैं अंदर से? ये इंटरनल देखिए, हर पार्टी के इंटरनल मसाइल होते हैं। आप मुझे बताएं, मोहम्मद जुबैर, शाह खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, उसमें क्या इमरान खान था उस पार्टी का लीडर? बिल्कुल नहीं। वो क्यों छोड़ गए भाई? उनको क्या मसला था? उनको तो इज्जत भी दी जाती थी, अभी तक देते हैं, अभी तक उनका नाम ले लेके बुलाते हैं कि आ जाएं जी वापस जी जी। वो क्यों चले गए? ये पार्टीज के अंदर ये चीजें चलती हैं, ये होती हैं, ये चलती रहती हैं। एक बात जो है, जो फवाद चौधरी साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, असद उमर हों, अली जैदी साहब हों, बड़े अच्छे लोग होंगे, पार्टी के लिए बड़ी खिदमत होगी, बड़ी सजाएं भी ली होंगी। अभी फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि उन पर तशद्दुद भी बहुत हुआ है और उसकी वीडियोस वगैरह भी बनी हैं। मैं उन सब बातों पे यकीन करता हूँ, लेकिन इस मौके के ऊपर ये जो टाइम है, इनको पार्टी में होना चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं होना चाहिए। अच्छा। इस मौके के ऊपर उनको पार्टी में शामिल करना, ये पार्टी अगर पहले इंतजार का शिकार नहीं थी तो फौरन इंतजार का शिकार हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर इस वक्त जो लोग मौजूद है, जो लॉट मौजूद है, जिन्हें अकबर की आप बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है, ये जो लॉट मौजूद है, ये जब ये लोग आएंगे ना, तो ये ऐसे बिल्कुल वो तिनकों की तरह बिखर जाएगी पार्टी एकदम से। तो मेरा भी ख्याल कि इस वक्त इनको शामिल करना मुनासिब फैसला है, शामिल ज़रूर करें, लेकिन वो फैसला इमरान खान साहब का होना चाहिए, इमरान खान साहब खुद कहें, इनसे मिलें या वॉट एवर, फिर ये मामला ठीक होगा, ये इनकी एंट्री बड़े पुरसकून तरीके से हो जाएगी, अदरवाइज इंतजार का बायस बनेगी। एक आखिरी बात, मुलाकात के हवाले से साकिब बशीर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, इमरान खान साहब ने लिस्ट दी हुई है लोगों की जो उनसे मिलते हैं, अगर इमरान खान साहब ने जुनेद अकबर साहब का नाम उसमें नहीं डाला, हाँ। तो आप बेचारे शिबली फराज या बाकी को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? तो वो उनसे जरा बात कर ले, इमरान खान साहब को उनके जरिए मैसेज पहुंचाएं कि जी हमारा नाम भी उसमें डाल दें। जी जी।